नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ नेवी डबल ए SSR के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम में, यानी जो मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो उस वीडियो में से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन, 90% GK के क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो 90% क्वेश्चन, यानी आप कह सोच रहे होंगे कि देखो आपकी जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है, लेकिन आप जो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको 80 से 90% तक इसमें से जो वीडियो मैंने डाल रखा है उनमें आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी उनमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर आपको ये बात झूठ लग रहा हो तो आप पीछे की जो वीडियो मैंने डाल रखी है उनमें जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप नेवी की डबल SSR या MMR के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, और आपके लिए कोस्ट गार्ड के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया था। दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया था। देखिए जो नादिर शाह था, नादिर शाह दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया था। देखिए इस हीरे का नाम जो कोहिनूर रखा था वो नादिर शाह ने ही रखा था। कोहिनूर इस हीरे का नाम नादिर शाह ने ही रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस में कौन सी गैस होती है। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो बायोगैस में ऑक्सीजन गैस होती है। बायोगैस में ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है। अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है। देखिए अजंता की गुफाओं में ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कला पाई जाती है। देखिए जो अजंता की गुफाएँ हैं, यहाँ 29 गुफाएँ हैं और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले था शिवाजी के पिताजी का नाम। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो जो पाणिनि है, पाणिनि संस्कृत पुस्तक के अष्टाध्यायी के लेखक है। जो संस्कृत की पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके लेखक है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए सबसे प्राचीन वेद है जो, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। देखिए जो सनातन धर्म था उसमें सबसे प्रारंभिक वेद माना जाता है सनातन धर्म का, यानी सबसे प्रारंभिक जो स्रोत है वो ऋग्वेद को माना जाता है, और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और चीन के बीच रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। देखिए जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और तिब्बत के बीच है, भारत और तिब्बत के बीच है, और उसे ही भारत चीन की रेखा कहा जाता है, जो मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर यानी राज्यपाल होता है उसकी न्यूनतम यानी कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी जो उसके गवर्नर यानी जो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी जो सर्वोच्च अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसकी आयु होनी चाहिए 65 वर्ष। 65 वर्ष होनी चाहिए न्यायाधीश की अधिकतम आयु होती है, 65 वर्ष होती है न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया। करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार यही कहता रहता हूँ कि पिछले एग्जामों में बार बार रिपीटेशन हुए हैं, और देखिए अब भी बार बार रिपीटेशन होते रहेंगे। देखिए आपको जो नेवी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये दिया था जो मुंबई में अधिवेशन, यानी मुंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये नारा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति
प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? देखिए गया, ये गया है स्थान है, यानी जो बोध गया नाम से जाना जाता है उसको, वहाँ पर बोध जो गौतम बुद्ध थे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए जो गौतम बुद्ध थे, ये गौतम बुद्ध थे, ये बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बिहार में पड़ता है, यानी जो गया है वो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? स्वामी महावीर थे जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर। देखिए जो स्वामी महावीर थे उसका बचपन का नाम था जो वर्धमान था, स्वामी महावीर के बचपन का नाम था जो वो था वर्धमान, वर्धमान था। और जो इसकी माता थी, माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? यानी जो 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच 2020, यानी जो 9 अगस्त, यू नो सॉरी 24 जुलाई, 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होने वाले हैं ये जो 2020 के ओलंपिक खेल होंगे, ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? देखिए जो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, तो टोक्यो के अंदर ये खेल खेले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? देखिए 57 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में, अगर आपको 58 दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, लेकिन जो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर, देखिए स्वर्ण मंदिर है जो वो है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। देखिए जो सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, अर्जुन देव यानी सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था, सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव जिसने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य से राज्य का नृत्य है? बिहू है जो वो है असम राज्य का नृत्य। देखिए जो बिहू है ये बिहू त्यौहार के दिन मनाया जाता है, जो बिहू है ये नृत्य, ये बिहू त्यौहार है इसके दिन ये किया जाता है। देखिए जो युवा होते हैं, युवा पुरुष होते हैं, युवा पुरुष और स्त्रियों के द्वारा ये जो बिहू नृत्य है, बिहू नृत्य है इसका, यानी इसका जो ये किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक है अरुंधति राय, अरुंधति राय है जो वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक है। नेक्स्ट देखते हैं, रियो ओलंपिक खेल 2016 के कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? रियो ओलंपिक खेल 2016 के कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जी 2016 के कुश्ती में पदक जीतने वाली। देखिए ये 58 किलो वेट से यानी कुश्ती किया था इसने, इसने 58 किलो वेट से कुश्ती किया था। ये हरियाणा जिले की रोहतक की रहने वाली है, सॉरी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, वो सॉरी हरियाणा राज्य की जो रोहतक है, हरियाणा राज्य में रोहतक है जिला, रोहतक जिला की रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला सदस्य है वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित थी जो वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में है 29 राज्य, भारत में 29 राज्य हैं। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता हुआ था 1972 में, देखिए 28 जून 1972 में शिमला समझौता हुआ था। देखिए पाक के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो, अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला आए थे, तब ये शिमला समझौता 1972 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? अर्थशास्त्र, एफिल टावर है पेरिस में, यानी जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, पेरिस शहर है जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस जिसमें एफिल टावर बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम यानी नेवी SSR में, यानी जो आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
जय हिंद जय भारत। चीज तो नहीं।